अपनी काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि लोगों को तुम्हें हराने के लिए कोशिशें नहीं साजिशें करनी पड़े। देखा हुआ सपना सपना ही रह जाता है जब तक व्यक्ति अपना पसीना नहीं बहाता। जब इंसान को गंदे और मैले कपड़ों में शर्म आती है तो गंदे और मैले विचारों से शर्म क्यों नहीं आती। व्यक्ति को कभी भी मौके का इंतज़ार नहीं करना चाहिए क्योंकि जो आज है वो ही सबसे बड़ा मौका है। अपने आप को माचिस की तीली की तरह मत बनाओ जो थोड़ा सा घिसने से ही सुलग जाती है। बनना है तो खुद को शांत सरोवर की तरह बनाओ जिसमें अगर कोई अंगारा भी फेंक दे तो वो भी बुझ जाए। कलम तभी साफ और अच्छा लिख पाती है जब वो झुककर चलती है। वही हाल जिंदगी में इंसान का है। कमाओ, कमाते रहो और तब तक कमाओ जब तक महंगी चीज़ें सस्ती ना लगने लगें। आप जिसे बल से नहीं हरा सकते उसे बुद्धि से ज़रूर हरा सकते हैं। आज की कड़वी सच्चाई यही है कि लोग पैसे वाले लोगों को ही महत्व देते हैं, चाहे सामने वाले व्यक्ति का चरित्र, इरादा और आदतें कैसी भी हों। ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, बल्कि ठोकर तो इसलिए लगती है कि इंसान संभल जाए। अपने समाज और परिवार से अलग होने पर हमारी कीमत आधी से भी कम रह जाती है। हम चीज़ों को उस तरह से नहीं देखते जिस तरह से वो होती हैं, बल्कि हम चीज़ों को उस तरह से देखते हैं जैसे हम सोचते हैं। कमज़ोर व्यक्ति तब रुक जाता है जब वो थक जाता है और आगे नहीं चल पाता, लेकिन एक विजेता तभी रुकता है जब वो विजयी हो जाता है। ऐ जिंदगी, तुझसे हर कदम पर समझौता क्यों किया जाए। शौक जीने का है मगर इतना भी नहीं कि मर मर कर जिया जाए। जिन्हें गुस्सा आता है वो लोग सच्चे होते हैं। मैंने झूठे लोगों को अक्सर मुस्कुराते देखा है। कुछ लोग जिंदगी होते हैं, कुछ लोग जिंदगी में होते हैं। कुछ लोगों से जिंदगी होती है, पर कुछ लोग होते हैं तो ही जिंदगी होती है। जिनके दिल अच्छे होते हैं उनकी जिंदगी खराब होती है। मैं खुश हूँ कोई मेरी बात तो करता है, बुरा कहता है तो क्या हुआ, मुझे याद तो करता है। सीख रहा हूँ अब मैं भी इंसानों को पढ़ने का हुनर। सुना है चेहरे पर किताबों से ज़्यादा लिखा होता है। जब जलेबी की तरह उलझ ही रही है जिंदगी तो फिर क्यों ना चाशनी में डुबोकर मज़ा लिया जाए। स्पीड ब्रेकर कितना भी बड़ा क्यों ना हो गति धीमी करने से झटका नहीं लगता। मुसीबत कितनी भी बड़ी हो शांति से विचार करने पर जीवन में झटके नहीं लगते। संबंधों को सिर्फ समय की ही नहीं समझ की भी ज़रूरत होती है।